जबलपुर की आरपीएफ द्वारा अवैध रूप से ई टिकटों का व्यापार करने वाले तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ थाना प्रभारी इरफान मंसूरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मझौली में ई रेल टिकटों का व्यापार किया जा रहा है। सूचना पर टीम द्वारा दबिश देकर मझौली निवासी मनोज पटेल, दीपक विश्वकर्मा व चंद्र प्रकाश कोष्टा पर कार्रवाई की गई। इनसे 225 ई टिकट व कंप्यूटर उपकरण भी जब्त किए गए हैं। वहीं यह तीनों आरोपी मझौली क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्ष से अवैध रूप से रेलवे टिकट बनाने का कार्य कर रहे थे, जिसकी जानकारी आरपीएफ को मिल रही थी। इसके बाद आरपीएफ थाना पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 225 ई टिकट जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ई टिकट का मामला आया है, इस संबंध में बताइए जानकारी। अभी 2 दिन पहले हमारे पास सूत्रों से हमको थोड़ा मुखबिर से पता चला था कि मझौली क्षेत्र में एक काम चल रहा है। तो टीम भेजी थी हमने वहाँ पर, तीन लोगों को करीबन 225 ऐसे टिकट जिनको उन्होंने सेल किया था और उसकी रिकवरी की हम लोगों ने, तकरीबन 2.5 लाख के आसपास उसकी कीमत। सर कुछ जानकारी लगी कब से चल रहा है इनका काम? ये इन लोगों से पूछताछ भी की, ये 2021 से कर रहा है। ये तीन आरोपी जो पकड़े गए हैं ये बालिक हैं? हाँ, तीनों बालिक। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये मझौली क्षेत्र में मझौली बाजार से पकड़ा है। सबकी अपनी अपनी कंप्यूटर दुकानें हैं, मझौली क्षेत्र से ही पकड़े हैं। कोई अपने ऑनलाइन ऑफिस वगैरह चला कर? हाँ, उनकी शॉप थी, तीनों की कंप्यूटर सेटअप लगे थे, कंप्यूटर भी जब्त कर लिया। कुछ नाम है सर इनके दुकानों के, जानकारी में? नाम मैं देख के बताऊँ।